हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे? आई होप आप सारे के सारे एकदम तंदुरुस्त हो। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उसको खत्म भी करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोस्पेक्टिव से, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। अच्छा बताऊं तो सही में काफी बच्चे ना इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज एक छुपा हुआ सा टॉपिक है किताबों में, ठीक है। बड़े छुपा हुआ सा टॉपिक जब उभर के पेपर में आता है, सवाल इसका बन के, तब डब्बा गोल हो जाता है, ठीक है। तो आप में से किसी का भी डब्बा गोल ना हो तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। पूरी वीडियो अच्छे से देखना, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है, फाइन। चलो आज की क्लास में जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, फाइन, इन शॉर्ट IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इन शॉर्ट IVT, फाइन। देखो पेपर में जब भी इसका क्वेश्चन आता तो पेपर में कभी लिखा हुआ नहीं आता कि IVT यूज करो, IVT थ्योरम प्रूफ करो, ना कभी कुछ नहीं आता ऐसा। पेपर में कुछ इस टाइप का सवाल आता है जिससे कि आप लोगों को हिंट मिलता है कि बिना IVT के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्या सवाल, क्या कंसेप्ट, किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। ज्यादातर इस थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन में। ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आई होप आप लोगों को पता हो पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल क्या है। हाँ, मैंने बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत फंक्शंस पढ़ाया होगा, वहां पे मैंने आपको बताया होगा व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उस टाइप के फंक्शंस होते हैं जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। होल नंबर मींस लाइक दिस, ax³ + bx² + cx + d, यू कैन सी होल नंबर्स, यू कैन सी होल नंबर्स, यू कैन सी होल नंबर्स, एंड वी हैव अ कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो कम्स अंडर पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि इसके साथ एक्स की पावर जीरो लगा सकते हैं, वो भी होल नंबर है, ठीक है। नॉन पॉलिनोमियल जो ऐसे नहीं होंगे, मतलब रैशनल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, ये सब नॉन पॉलिनोमियल डाल दो, ठीक है। अदर देन पॉलिनोमियल जो भी फंक्शन नजर आएगा वो नॉन पॉलिनोमियल हो गया। अब यहां पे रूट्स में हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं रूट्स की जब बात करूंगा तो मैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पहले आपको समझाऊंगा, फिर नॉन पॉलिनोमियल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो क्लास को पूरा देखना, अगर 5 मिनट सुन के जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पूरी क्लास सुनोगे तो कसम से इतना मजा आ जाएगा ना, इतना ज्यादा मजा जिसकी कोई हद नहीं है, पक्का। देखो सबसे पहले आई एम फोकसिंग ऑन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा बच्चों, लेट अस सपोज इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो रूट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स और वाई इज जीरो। बड़ा सिंपल है यार, एक्स की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन जीरो आंसर दे या जिसपे वाई जीरो आए, उसको हम लोग फंक्शन का रूट बोलेंगे। सो सिंपल, छोटी क्लासेस में करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, वो ने रूट्स कहते थे हम लोग, ठीक है। किसी भी तरीके से एक्स की वैल्यू निकालना जिससे फंक्शन जीरो हो जाए, उसको हम रूट्स कहते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे तो स्कूल लेवल पढ़ा है, क्या पढ़ा रहा हूँ बेकार की चीज़, सॉरी ये तो हमें आती है, अच्छी बात है तुम आते हैं, बट मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको क्या पढ़ाना है, मैंने आपको ये पढ़ाना है रूट्स निकालना नहीं, नंबर ऑफ रूट्स बताना। बताओ कैसे, मान लो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैं बोलता हूं उसके रूट्स क्या हैं, आप सबको पता है, सर x-3 x-2 किया, जीरो रखा, ये आ गया, ये रूट्स हो गए। हेयर वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, बेसिकली वी आर नॉट इंटरेस्टिंग टू फाइंडिंग दी
value of roots. We are interested to finding the number of roots. So if someone asks me that how many roots of this polynomial, my answer is 2. 2, 2 or 3, 2 number are which function 0 under. Is that clear? I hope so. Now, I will go a little diagrammatically. Tell me one thing, if I have made this kind of diagram, y equals fx, this function is not randomly. So, in diagrams, I can tell you how many number of root exist. बिल्कुल बता सकता हूं कैसे. अच्छा रूट का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे वाई क्या हो, जीरो, ठीक है. और ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ में वाई जीरो कहां होता है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है. कह रहे इसे ये जो पॉइंट है एक्स वन, लेट अस सपोज ये रूट है भाई, इस पे वाई जीरो है ना यार. मैंने ये वाई बराबर एफ एक्स का डायग्राम बनाया है बच्चों ऐसी रैंडमली. मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम टाइम इफ एग्जामिनर आस्क यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रूट यूजिंग द ग्राफ, तो ग्राफ देख के आप लोग बता सकते हो कितने रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं. कैसे? ग्राफ जितनी बारी एक्स एक्सिस को कट करके निकलेगा यार उतने रूट्स होंगे, दैट्स ऑल. ठीक है, मैं कुछ ना ग्राफ बनाता हूं, देखो कुछ ग्राफ बनाता हूं बढ़िया से, मजा आ जाएगा आप लोगों को. ठीक है, पहला ग्राफ तो मैंने लेट अस सपोज ये बनाया, पिछले वाला ही था. दूसरा ग्राफ मैंने ये बनाया, अगला ग्राफ मैंने ये बनाया. मैं पॉलीनोमियल से डील कर रहा हूं बच्चों, आई एम डीलिंग विद पॉलीनोमियल एंड आई एम आल्सो डीलिंग विद कंटीन्यूअस फंक्शन, देयर इज नो ब्रेक फिलहाल के लिए. ठीक है, बाकी क्वेश्चन मतलब चैप्टर अगर बहुत इनसाइड जाऊंगा तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, वो निकालूंगा अभी, बट अभी कंटीन्यूअस फंक्शन से हम डील कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली. ठीक है, लेट अस सपोज दिस. फाइन, एक काम करते हैं, पहले तीन फंक्शन की बात करते हैं. चलो देखिए, आई एम डीलिंग विद पॉलीनोमियल अभी के लिए. ठीक है बच्चों, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की डोमेन क्या होती है? हाँ भाई, डोमेन क्या होती है पॉलीनोमियल की? ऑल आर, कुछ भी डालो एक्स को. आप क्या ग्राफ देख के बता सकते हैं दैट हाउ मेनी रूट्स आर एग्जिस्टिंग? बिल्कुल. अच्छा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द रूट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ रूट्स. मेरे को नहीं जानना कि क्या एक्स आ रहे हैं, मेरे को ये जानना है कि कितने एक्स आ रहे हैं. ओके फाइन, सो इन द फर्स्ट इक्वेशन अगर आप ध्यान दें, सो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है भाई? ओनली एक बार. यहां पे तीन बार, यहां पे ओनली एक बार. फोर दे दो. चलो फाइन, सो कैन आई नो, मतलब कैन आई फाइंड आउट हाउ मेनी रूट्स आर एग्जिस्टिंग बाई यूजिंग द ग्राफ ओनली? येस वी कैन, आई होप क्लियर हो सब कुछ. अच्छा, तुमने एक बात पाई यहां पर, ये पॉलीनोमियल में ज्यादातर डील हम लोग करते हैं कि जब मेरा ग्राफ एकदम ऐसे जा रहा है और मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, मतलब ग्राफ अब नीचे को निकल रहा है, दोबारा उठेगा नहीं. ग्राफ ऊपर को निकल रहा है, दोबारा गिरेगा नहीं. तो ग्राफ जब बिल्कुल ऐसे जा रहा है या बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ठीक है डांस हो गया, तो फाइन, तो इसका मतलब मेरा ग्राफ पूरी तरह इंक्रीजिंग और पूरी तरह डिक्रीजिंग है. क्या मैं बोल सकता हूं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? क्या मैं बोल सकता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? यस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है याद है? जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जहां नेगेटिव होता है. तो जहां पे मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वहां पे कितने रूट्स की पॉसिबिलिटी है? ओनली वन. बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वजह से जो वन रूट निकाल रहे हैं ना, ये नॉन पॉलीनोमियल वायलेट भी होती है. ठीक है, बाकी मैं चाहूंगा एग्जैक्टली वन रियल रूट के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ साथ अब एक प्रॉपर्टी और चेक करेंगे जो अभी हम पढ़ेंगे. फाइन, अभी के लिए पॉलीनोमियल फंक्शन हमने क्या पाया जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है? पॉलीनोमियल फंक्शन में हम लोगों ने क्या पाया जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो उसमें कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे? एग्जैक्टली वन. फाइन, ठीक है. सो लेट अस सपोज एक छोटा सा सवाल ऐसे है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, आपको चेक करना है हाउ मेनी रूट्स एग्जिस्ट हियर. चेक करो, डेरिवेटिव किया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है. क्या बोल सकता हूं हर एक्स पे ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है. सो लिख सकते हैं
सिंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हेंस इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट. क्लियर है? होप सो. ठीक. सो ये तो बात हो गई. अभी मैंने नॉर्मली पॉलीनोमियल डिस्कस किया. नाउ मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली वन रियल रूट नहीं, हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट वन रियल रूट. बच्चों ध्यान से देखना, थ्योरम पे भी आएंगे अभी, टेंशन ना लो. एटलीस्ट वन रियल रूट्स मैंने आपको तीन केसेस से पढ़ा रहा हूं. बुक में तो डायरेक्ट लिखते हैं लोग, मतलब ही नहीं कोई क्या हो रहा है. ठीक है, केस नंबर वन, डोमेन क्वेश्चन में गिवन है ए से बी. पता है बच्चों, एटलीस्ट वन रियल रूट्स का जो कंसेप्ट है, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये चाहे पॉलीनोमियल हो या नॉन पॉलीनोमियल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ये चाहे पॉलीनोमियल हो या नॉन पॉलीनोमियल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, बट ज्यादातर मैं पॉलीनोमियल पर डिस्कस कर रहा हूं, तो कोई इशू नहीं है. ये क्वेश्चन की डोमेन है. अब क्वेश्चन की डोमेन जब होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा अपनी डोमेन पे. बड़ा सिंपल था फंडा. मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ ए निकाला और एफ ऑफ बी निकाला. मान लो एफ ऑफ ए जो भी वैल्यू आई पॉजिटिव आई और ये नेगेटिव आई, और या अगर ये नेगेटिव आई तो ये पॉजिटिव आई. मोटा मोटा बात यह है कि कॉर्नर पॉइंट पे जो फंक्शन वैल्यू आ रही है वो ऑपोजिट इन साइन आ रही है. दोबारा बोल रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट्स पे जो फंक्शन वैल्यू आ रही है ऑपोजिट इन साइन आ रही है. प्लीज हैव अ लुक एवरीवन. लेट अस सपोज मैंने ए और बी पॉजिटिव ले लिया, आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, प्लीज जरा देखें सारे बच्चे ध्यान से. मान लो एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ओके, और एफ ऑफ बी जो है वो नेगेटिव आ रहा है. फाइन, इसका मतलब जब ये दोनों के दोनों चीजें आपस में जुड़ेंगे तो क्या एक्स एक्सिस को कट करके निकलेंगी ना, या तो ऐसे कट करेगी या ऐसे भी जा सकती है. बिना एक्स एक्सिस को कट किए क्या ये दोनों पॉइंट मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो बिना एक्स एक्सिस को कट किए अगर ये पॉइंट नहीं मिल सकते तो कम से कम कितने रूट होने की संभावना है? ठीक है, ठीक है, संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी. ठीक है, फाइन, मतलब व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट हाउ मेनी रूट्स कैन बी एग्जिस्ट? ईदर वन और मोर देन वन. गेटिंग माय पॉइंट? बोलो ना यार, समझ में आ गया सब. ठीक है, फाइन. सो ए पे एफ ऑफ ए, बी पे एफ ऑफ बी. क्लियर है? तो बेटे जब भी ऑपोजिट इन साइन आएगा तो कम से कम एक, अच्छा कम से कम एक रूट में एक रूट या एक से ज्यादा रूट, वो बात की बात है. फिलहाल एग्जामिनर बोलेगा कम से कम एक रूट. बच्चों यही है आईवीटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में हम लोगों को एक्स पे एक वाई ढूंढना होता है, जैसे हमें बेसिकली, या वाई पे एक एक्स ढूंढना होता है, जैसे वाई जीरो चाहिए मुझे, वो किस एक्स पे होगा या कितने एक्स पे होगा वो मुझे चेक करना है. तो यहां पे वाई जीरो एक एक्स से ज्यादा एक्स पे हो सकता है. तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है व्हेन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑपोजिट इन साइन देन देयर मस्ट बी वन एक्स इन बिटवीन ए एंड बी सच दैट फंक्शन वैल्यू जीरो. भाई कोई ना कोई एक ऐसा एक्स लाई करेगा ए और बी के बीच में, एटलीस्ट वन एक्स सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. कम से कम एक एक्स ऐसा लाई करेगा जिसपे जीरो हो गए. यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, दैट्स ऑल. बच्चे कहेंगे सर पेपर में कैसे सवाल आएगा? गुड क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल लेता हूं. देखो मान लीजिए क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन और एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से वन. कहता शो दैट दिस पॉलीनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, शो दैट दिस पॉलीनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल रूट. अच्छा जी क्या करो, एफ ऑफ माइनस टू निकालो,
एफ ऑफ वन निकालो, ऑपोजिट इन साइन क्या लिखोगे, सिंस f of minus 2 and f of 1 are opposite in sign, then using IVT we say that it has at the least one real root. That's all. That is all. क्लियर है? ये नॉन पॉलिनोमियल में भी मतलब जा सकता है. मान लो अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो सबने. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद अगर नेक्स्ट आए तो हम लोग मान लो एक नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन लो, मान लीजिए ये दे रखा है और x दे रखा है 0 से 2. सिंपल है, f ऑफ 0 चेक करो, e0 1 होता है, लेस देन 0. e की वैल्यू पता सबको 2.713 होती है, तो उसका स्क्वायर तो 2 से बड़ा ही होगा, तो ये बड़ा है ये छोटा है, पॉजिटिव आ गया, ऑपोजिट इन साइन, दैट्स ऑल. बच्चों इतनी सी बात ही है इसमें, बच्चे कहते इतनी सी बात फिर भी हमसे क्यों नहीं हो पाता पेपर, बताता हूं. देखो फाइन, ये क्लियर हो गया. मैंने आपके सामने इसका एक केस वन प्रस्तुत किया. केस वन बोले तो मैंने यहां वन पॉइंट डाला, जब ये ए से बी था. सम टाइम एग्जाम में डोमेन क्लोज इंटरवल में ना देखे, आपको ऐसे भी दे सकता है. प्लीज हैव अ लुक एवरीवन. अगर आपको ओपन इंटरवल दे दिया सवाल, ओपन इंटरवल मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, सो आईवीटी इसमें ऐसे लिखेगी. देखो काफी टीचर कहते हैं ए और बी डायरेक्ट डाल दो. भाई क्यों डाल दो, जब ए और बी मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा तो मैं ए और बी क्यों डालूं, ये बताओ पागल हो गया मैं या तुम लोग पागल हो? नहीं ना, क्यों डालोगे ए और बी जब ए और बी इंक्लूड ही नहीं हो रहे? देन हाउ टू प्रोसीड, कैसे चेक करेंगे ऑपोजिट इन साइन का केस, एटलीस्ट वन रियल रूट चेक करने के लिए? प्लीज हैव अ लुक एवरीवन. ए प्लस बी माइनस, समझे? आई नो ए और बी डाल के भी सेम ही आंसर आएगा, बट वो तरीका गलत कहलाएगा. सिमिलर ये प्लस या माइनस, और माइनस प्लस, देन यूजिंग आईवीटी एट लीस्ट वन रियल रूट. ओके, आई होप सो क्लियर हो सबको. ठीक है बच्चों, आई होप काफी बच्चे 11, 12 में जिन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ी उन्हें शायद ये, इसको RHL कहते हैं, इसे LHL कहते हैं, ये थोड़ा कंटिन्यूटी का प्रोसेस होता है. जैसे मैं अगर अपने पिछले सवाल में ही आ जाऊं, नॉन पॉलिनोमियल वाला केस ले लूं, जो क्वेश्चन ये था, मैं बच्चों इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा बिकॉज मैं अभी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा रहा आपको. सो लिमिट x बिलोंग्स टू 0, ठीक है, 0 प्लस. सो याद करो इसमें ऐसे लिखते हैं x को 0 प्लस h. बच्चों प्लीज दिस इज द प्रोसेस यू नीड टू फॉलो. ठीक है, फिर h को 0 डाल दो, माइनस 1 आ गया. सिमिलरली इधर आओगे 2 माइनस, ठीक है, x को 2 माइनस h डालो, ठीक है, फिर h को 0 डाल दो, ये पॉजिटिव आ गया. सो दे आर ऑपोजिट इन साइन, हेंस एटलीस्ट, हेंस एटलीस्ट वन रियल रूट. यूजिंग आईवीटी वर्ड यूज कर लेना. ठीक है, आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया हो, अच्छे से मींस बहुत अच्छे से. ठीक है, आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े अब हम लोग तीसरा केस. मान लो डोमेन दे ही नहीं रखा हो, पॉलीनोमियल तो आर या नॉन पॉलीनोमियल तो डोमेन निकालना, आप लोग सारे बच्चे जानते हो किस तरीके से डोमेन निकलती है. ठीक है ना, जानते हो ना सारे के सारे. अच्छा अब तो फाइन, भाई आर बोले तो प्लस माइनस
और माइनस प्लस? बोलो। तो अगेन एटलीस्ट ऑन रियल रूट्स, ठीक है। कैलकुलेशन बच्चों के लिए लिमिट्स आना बहुत अच्छे से जरूरी है आपको। अगर आपको लिमिट्स नहीं आता तो आप लोग बीच में अटकोगे, फॉर श्योर अटकोगे, ठीक है। सो लिमिट्स की नॉलेज चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे मैं अगर वो ये वाला क्वेश्चन ले लूं, एक्सपोनेंशियल वाला ही, आप सबको पता है अगर कुछ ना गिवन होता तो इसकी डोमेन आर होती। सो अगर तुम इसमें इन्फिनिटी लिखते हो, सो ई की पार इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और माइनस इन्फिनिटी मीन्स पहले एक्स ले लूं, इन्फिनिटी ये माइनस टू आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, इन्फिनिटी तो पॉजिटिव ही हो गया ना। अगेन आईवीटी होल्ड करके सवाल करने पड़ेंगे तभी अच्छे से ना कंसेप्ट क्लियर होगा, फाइन। अब मैं तुम्हें कुछ एक अच्छी चीज बताऊंगा इसमें, जो एग्जामिनर बड़ा तोड़ मरोड़ के पूछता है तुम लोगों से और तुम लोग नलायक को गलत करके आ जाते हो, बट अब ये वीडियो देखने के बाद कोई गलत नहीं करेगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके आपको सिखाता हूँ चीज़ें। पॉलीनोमियल नॉन पॉलीनोमियल में कोई डिफरेंस भी बताऊंगा आईवीटी का, और अदर देन रूट्स किस तरीके से आईवीटी को घुमा के पूछ सकता है वो अब आपको बताता हूँ। चलो बच्चों, अब तुम लोग को थोड़ा सा कुछ हटके चीजें बताता हूँ उसमें, ठीक है। हटके बोले तो देखना ध्यान से। आप लोगों के पास सबसे पहले तो मैं आपको पॉलीनोमियल नॉन पॉलीनोमियल का कुछ एंड नॉन पॉलीनोमियल का कुछ डिफरेंस समझाता हूं रूट्स के प्रोस्पेक्टिव से। देखो हम लोगों ने क्या सीखा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो एग्जैक्टली वन रियल रूट होगा, ठीक है गाइस, एग्जैक्टली वन रियल रूट होगा, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के बाद भी एग्जैक्टली वन रियल रूट नहीं हो सकता। तुम लोग को याद है एक्सपोनेंशियल का डायग्राम, आई होप सबको पता हो, ऐसा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है बट कभी भी एक्स एक्सिस को कट करके नहीं जाता, आई बात समझ रहे हैं, क्लियर। मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा रूल ऑफ थंब सिखाता हूं कि तुम्हें एग्जैक्टली वन रियल रूट अगर चेक करना हो नॉन पॉलीनोमियल में भी तो कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो। इट इज फॉर ऑल बेसिकली, यू कैन सी दैट। देखो अच्छा, एटलीस्ट वन रियल रूट हैज टू कैटेगरीज, क्या क्या? एग्जैक्टली वन एंड मोर देन वन, इज दैट ओके? हां जी बोलो भाई, कम से कम एक, मतलब एक एक से ज्यादा, सिंपल है ये देखना। व्हेन आईवीटी होल्ड्स एंड एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन एफ हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जबरदस्त, मजा आ जाएगा, हमेशा होल्ड करेगी करेगी। आपसे पूछा है, आपने आईवीटी होल्ड करा ली, एग्जामिनर बोलता भाई तूने आईवीटी होल्ड कर ली, उसके बाद ये बता एक रूट है एक से ज्यादा रूट है, तू कहेगा कम से कम एक है, बोलेगा हाँ भाई कम से कम एक समझ गया, बट कम से कम एक की दो कैटेगरी है, एक ही एक से ज्यादा, बता कौन सा है, एक या एक से ज्यादा? तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये ए है ये बी है, ए पे पॉजिटिव आ गया बी पे नेगेटिव आ गया, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है
तो एक ही तो रूट होगा, एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। तो जब भी आई मतलब ये मैं कैसे केस पढ़ा रहा हूं कि एग्जामिनर आईवीटी होल्ड कराने के बाद आपसे क्या पूछ लेगा, भाई ये बता एक है एक से ज्यादा है। तो कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर आईवीटी होल्ड करती है तो एग्जैक्टली बन रही है रूट से, चाहे वो नॉन पॉलिनोमियल क्यों ना हो। अच्छा नॉन पॉलिनोमियल में आ जाओ, अगर नॉन पॉलिनोमियल में ए पे मान लो ए और बी है, ए पे नेगेटिव आ रहा है बी पे पॉजिटिव आ रहा है, नॉन पॉलिनोमियल है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो किसी भी तरीके से एक बारी तो कट करेगा करेगा ना एक्स एक्सिस को। बच्चों सोचो दिमाग में यार चीजें लेकर आओ, जो डिफिकल्ट नहीं है। तुम सामने नहीं बैठे वरना मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता, वैसे तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बट स्टिल ठीक है फाइन क्लियर है। सो यार जब भी ऑपोजिट इन साइन है तो भाई साहब मिलेंगे, तो मिले दोनों मिले साथ में, या तो ऐसे मिलेंगे या जिगजैग करके मिलेंगे। जिगजैग बोले तो व्हेन आईवीटी होल्ड एंड एफएस नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन एफ एज मोर देन वन रियल रूट। देखो ए बी मान लो ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव, डिक्रीजिंग नहीं है तो कुछ इस तरीके से जिगजैग होता हुआ जाएगा। कोई बच्चा कहता है सर जिगजैग ऐसे भी तो हो सकता है, तो एक ही बारी कट, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। बट मैं दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन लाइक ऐसे फाइन क्लियर है। अब ये जिगजैग जिगजैग इस टाइप के डायग्राम होते हैं, ये तो भाई थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप होते हैं, हम पॉलीनोमियल नॉन पॉलीनोमियल ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं जा रहा इस वजह से। सो आई होप दिस वन दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आई अच्छे से बात ही वाली ठीक है। तो बेटा आप लोगों से एग्जामिनर आईवीटी होल्ड करा लेगा, फिर आपसे पूछेगा चेक कर भाई एग्जैक्टली वन है मोर देन वन है। एग्जैक्टली वन कब होगा, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, और मोर देन वन कब होगा, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, सो सिंपल ठीक है फाइन। तो बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है ये चेक करना, ये तो आज की क्लास का एजेंडा नहीं है, ये तो आप लोग को आना चाहिए, तो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है ठीक है। बच्चों ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर वन, एमए बी, स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, इवन और भी मास एमएससी एंट्रेंस बहुत जगह पूछा जाता है आईवीटी ठीक है। बच्चों बहुत आसान सी चीज़ है ये, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जब सवाल करोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके साथ तो मैं काफ़ी सवाल डिस्कस भी करता हूँ बतेर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें एक बार एग्जामिनर ने कन्फ्यूज करने की कोशिश की बच्चों को और बच्चे कन्फ्यूज हो गए, देखो क्या। सो देखो बच्चों क्या है वो तरीका ठीक है। समटाइम अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने एफ एक्स को जीरो करना सीखा है, जिसमें हमने क्या पाया, जब ग्राफ इसको कट करेगा, ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस को एक बारी एक से ज्यादा बारी, तो इन एक्स पे एफ एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, इज दैट ओके। एग्जामिनर घुमा दिया बच्चों, क्या घुमाया देखो, उसने बोला कि भाई हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें एफ एक्स ए चाहिए, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक बात बताओ, हम जब यहां पर थे पढ़ रहे थे तो आईवीटी के थ्रू हम क्या देखते थे, एक प्लस एक माइनस। अगर एक वाई प्लस का है और एक वाई माइनस का है तो कोई ना कोई एक ऐसा एक्स होगा जो कि वाई को जीरो बनाएगा। थोड़ा सा मान लो ये ए है ये बी है ओके, ए पे वाई वैल्यू नेगेटिव है, बी पे वाई वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, तो ए और बी के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एक्स होगा जिसपे वाई वैल्यू जीरो होगी। तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव बोलते थे ना
तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता था एक वैल्यू जीरो से बड़ी एक वैल्यू जीरो से छोटी, तो बीच में जीरो लाई कर सकता है। तो अगर मुझे एफ एक्स बराबर जीरो ना देके वो ए दे देगा, और मान लो ये मेरे इंटरवल है सी से डी, तो मेरे को एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी चेक करने पड़ेंगे। अगर एक वैल्यू ए से बड़ी आई और एक वैल्यू ए से छोटी आई, और एक वैल्यू ए से छोटी आई और एक वैल्यू ए से बड़ी आई, तो कम से कम एटलीस्ट वन सी होगा, एटलीस्ट वन एक्स होगा वेयर एफ एक्स इक्वल टू ए। यार इससे पहले क्या कर रहे थे, ऑपोजिट इन साइन बोले तो एक जीरो से बड़ा एक जीरो से छोटा है, तो कम से कम एक ऐसा एक्स था जिसमें एफ एक्स क्या होता है जीरो। जीरो को दोस्तों ए ने रिप्लेस कर दिया, दैट्स ऑल। यार जीरो को ए ने रिप्लेस कर दिया, यार बहुत आसान है सीरियसली, ठीक है समझ लो ना, एक एक जीरो से बड़ा एक जीरो छोटा और एक जीरो से छोटा एक जीरो से बड़ा, तो इसके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एक्स होगा, कम से कम एक ऐसा एक्स होगा जिसपे फंक्शन वैल्यू जीरो होगी। तो जब कुछ बच्चे रट्टा मारेंगे, देख मैं तुझे समझाता हूं, यहां जीरो है तो यहां जीरो, यहां ए है तो यहां ए आ जाए, ऐसे पढ़ लो बट रट्टा मत मारो, बड़े बच्चे हो चुके तुम, ठीक है। मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं, देखो लेट अस सपोज ये सी है, ये डी है, और ये वैल्यू वाई बराबर ए की है। मान लो सी पे एक वैल्यू ए से बड़ी आ रही है, डी पे एक वैल्यू ए से छोटी आ रही है, तो जब ये दोनों मिलेंगे ऐसे या ऐसे, तो y के बराबर a को तो कट करेंगे। तो देखो अगर ये वाला डायग्राम होगा तो कम से कम एक x ऐसा होगा, और अगर ये वाला डायग्राम होगा तो एक x ये, एक x ये, एक x ये, जिसपे y वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। अच्छा इससे पहले जो हमने पढ़ाई की ऐसे, तब भी तो ये लाइन थी, तब ये y बराबर जीरो की लाइन थी, अब यह लाइन y बराबर एक की होगी, दैट्स ऑल। समझ गए, प्रोसेस बिल्कुल वही है, अब पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं, एक ए से बड़ी एक ए से छोटी, अब ए सी डी जो भी हो कुछ, ठीक है। आप लोग आईबीटी का कोई भी सवाल उठाओ करो, ठीक है, कमेंट में लिखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ कमेंट में, कोई प्रॉब्लम है तो आई रिप्लाई। बाकी आप कोई भी सवाल उठाओ नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके, कोई भी सवाल आपसे ना हो रहा हो ना, हो ही नहीं सकता ना हो यार, ठीक है, बाकी नहीं होगा तो मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है। सो आज के लिए रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल के लिए इतना ही, और नॉन पॉलीनोमियल के लिए इतना ही, आईबीटी के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। स्टिल मेरी तरफ से कुछ चीज़ें मिस नहीं होगी, बट स्टिल कोई गलती होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड कीजिए, एंड बाकी यूट्यूबर्स की तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय बाय।